नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक नोट्स, है ना। आप में से सभी बच्चे जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो कहीं पर, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये नोट्स मेकिंग जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आप जब एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले आपको रिवाइज करना है तो नोट्स के लिए आप बड़ी हेल्प करेगा। मॉक पेपर दे रहे हैं तो मॉक पेपर से पहले आपको उसका रिविजन करना है तो नोट्स में हेल्प करेगा। आपने कोई क्वेश्चन किया और क्वेश्चन वो गलत हुआ तो गलत हुआ उसको सही करना है, सीखना है तो नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है एक बार में ही, तो दोस्तों नोट्स मेकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइए मैं आज आपको दोस्तों इसी की कुछ स्टेप्स बताता हूं। हमें नोट्स दो तरीके से बनाने होंगे। पहला हमारा नोट्स होते हैं जो कि हम क्लास में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं इस पर्पस के लिए, जिसको हम नाम देते हैं क्लास नोट्स। क्या होता है? क्लास नोट्स। दूसरे हमारे होते हैं नोट्स जिसको हम कहते हैं खुद के लिए हम पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा में कुछ हमें समझ में आए, इसे हम बोलते हैं पर्सनल नोट्स। क्या बोलते हैं? पर्सनल नोट्स। अब ये जो क्लास नोट्स हैं दोस्तों, ये हर एक स्टूडेंट बना रहा है। जो भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो आप नोट कर रहे हैं, टीचर ने जो पढ़ाया वो आप नोट कर रहे हैं, जितनी भी कॉपी किताबें जो बना रहे हो, जहां नोट कर रहे हो वहां आपने नोट किया, होमवर्क दिया, जो भी कुछ एक्स्ट्रा, जो भी कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सबने आपने नोट किया। लेकिन एक पर्सनल नोट्स आप खुद के बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, टीचर ने आपको पढ़ाया एक टॉपिक और इस टॉपिक में कहा टीचर ने कि देखो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपको टीचर ने बताई उसमें से दस बातें बताई, दस में से वो दस की दस बातें लिखी हुई हैं टीचर की उस स्लाइड में लिखी है, पीपीटी में लिखी है, जो कि आपको मिल जाएगी। लेकिन जब टीचर दस बातें बताता है ना, दस के अलावा वो 15-16 बातें बता रहा होता है। कहता देखो ये ऐसा होता है, इसके साथ ये होता है, ये देखो ऐसा होता है। तो जो एक्स्ट्रा बातें टीचर बता रहा होता है, वही एक्स्ट्रा चीजें जो उसमें पीपीटी में नहीं लिखी, हमें लगता है कि ये हमें नहीं आती, हमें वो लिखना होता है। ये हमारे होते हैं दोस्तों पर्सनल नोट्स में, क्योंकि जो टीचर हमें दे रहा है वो तो हमें पता है। ये पर्सनल नोट्स में हम अपनी भाषा में, अपनी लेमन लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं, इसी को कहा जाता है दोस्तों, ये हमारे पर्सनल नोट्स बनते हैं। अब आपको एक तरीका पता चल गया, दो डिफरेंस पता चल गए, दोनों डिफरेंसेस में क्या है। मेरा नाम विशाल परिहार है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाए जाए ताकि एग्जाम में आपको बड़ी हेल्प मिले। अब सुनिएगा, इंग्लिश के लिए आपको नोटबुक बनानी है तीन। पहली नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप ग्रामर के नोट्स लिखेंगे, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, आपने मॉक लगाया, आपने क्लास में पढ़े, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके पास एक ग्रामर की नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपको जो भी रूल आ रहा है आपने उसको नोट किया। ये ग्रामर की नोटबुक है जो जिसमें आपके ग्रामर के रूल्स लिखते चले जा रहे हैं। दूसरी आपके दोस्तों होगी वोकैबुलरी की। ये वोकैबुलरी की नोटबुक आपको बनानी है, वोकैब की नोटबुक। इस वोकैब की नोटबुक में दोस्तों सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं, इस नोटबुक में idiom phrase, phrasal verb, homophones, ये सब कुछ आप नोट करेंगे। आप चाहे एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं, खुद से रीडिंग कर रहे हैं, मॉक पेपर लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बहुत सारी जगह आपको वर्ड्स मिल रहे हैं जिनके मतलब आपको नहीं पता, आपने तुरंत नोट कर लिया। ये इतनी बड़ी हेल्प करेगा क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम आते आते आपको जब रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो वो वर्ड्स आप अपनी नोटबुक निकाल के देख रहे हैं, जो वर्ड्स आप स्टार्ट में लिखा करते थे, आपको हंसी आएगी, कहोगे कि यार ये वर्ड मेरे को आते नहीं थे। और अब एग्जाम आने आते आते तक 2 महीने बाद ही आप देखोगे, आप कहोगे ये तो सब मुझको आता है, ये तो सब मुझको आता है। तो मतलब वो जो नोटबुक है इतनी बड़ी, उस बड़ी नोटबुक में, इतनी बुरी मोटी नोटबुक में आपको लगेगा यार इसमें से मैक्सिमम चीजें तो मुझे आती हैं। फिर क्या होगा, एग्जाम के पास आप पहुंचोगे और एग्जाम के पास जब आप पहुंचोगे तो फिर वो आपके पास एक नोटबुक होगी जिसे हम कहते हैं पर्सनल नोटबुक। ये पर्सनल नोटबुक हर एक स्टूडेंट की सबसे खास होगी। को रिवाइज करना है तो इसी नोटबुक से रिवाइज करेंगे। आप ग्रामर उठाओगे, ग्रामर को पढ़ोगे, बहुत से रूल ऐसे होंगे जो शुरुआत में नए होंगे लेकिन अब आपको रट चुके होंगे, बट उसमें जो रूल आपको नहीं आता है, जो आपको लगता है यार ये दिक्कत कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट रूल हुआ, आपने वो इंपॉर्टेंट रूल को नोट कर लिया अपनी इस पर्सनल नोटबुक में, वो नोट कर लिया, जो जो भी आपको लगता है कि हाँ ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, ये भूल सकता हूं, वो आपने नोट किया। ऐसे ही वोकैबुलरी में आएंगे, वोकैब आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, पढ़ते जा रहे होंगे, फिर उसमें से पढ़ते पढ़ते
करते हैं, हर पेज में आपको लगता है ये दो वर्ड है जो मुझको नहीं आते, ये चार वर्ड है जो मुझको नहीं आते, ये दो वर्ड है मुझको नहीं आते, आपने उन वोकैबुलरी के उन नोटबुक में, उस नोटबुक में वो उसको नोट कर लेना है। आपने ये ध्यान रखना, 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 ये ध्यान रखना है। तीसरा एक काम और करना है, हर टॉपिक को सॉल्व करने की मैं कुछ टिप्स देता हूं, ये टिप्स भी आप दोस्तों इसी में रखेंगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की टिप्स, हालांकि बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर चुके होंगे आप, लेकिन एक बार टिप्स रिवाइज करके जाना जरूरी होता है। पैरा जंबल की टिप्स, क्लोज टेस्ट की टिप्स, ये टिप्स आपकी दोस्तों बहुत हेल्प करती हैं। तो आपने ये तीन चीजें, ये बहुत कम में आ जाएगी, मैक्स टू मैक्स जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 पेजेस में आ जाएगी। पतली सी बना के रखनी, इसको मोटा नहीं बनाना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको इसी को रिवाइज करके जाना है। अब क्या बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, आरआरबी का एग्जाम है, फिर क्लर्क का एग्जाम है, फिर उसके बाद पीयू का एग्जाम है, प्री सारे खत्म, बैक टू बैक मेंस लग रहे हैं, फिर एसबीआई आ गया है, आप समझ रहे हो, बैक टू बैक एग्जाम। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्स आते हैं जिसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम कहते हैं, हर एक स्टेट के आते रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों और भी एग्जाम्स हैं जो इंश्योरेंस के आते हैं, तो एग्जाम्स बैक टू बैक होते हैं। आपके लिए ये इतनी हेल्पफुल होगी कि आपको लगेगा अब मुझे रट गया। जो बच्चा ये काम कर लेता है समझ लो उसकी इंग्लिश बढ़िया हो गई, उसको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। पर जो बच्चा ये काम नहीं करता, तो वो मेहनत तो खूब कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम के समय वो इतना ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, वो समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसा नहीं होने देना है अपना, ठीक है। तो मैंने एक जनरलाइज आपको बात बताई कैसे आपको नोट मेकिंग करनी है। दूसरी दोस्तों, इंग्लिश को कैसे किया जा सकता है ये मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सीख कर गए हैं बढ़िया तरीके से, और आप अपना इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे और फाइनली सिलेक्शन भी लेंगे। बाकी आप मुझे बताइएगा आप ऐसे कितने बच्चे ऐसे जो कि रेगुलरली पढ़ते हैं मुझसे, अगर पढ़ते हैं तो उसे कंटिन्यू करिए, जो नहीं पढ़ते मैं आपको बता दूं 7 AM लाइव मैं पढ़ाता हूं द हिंदू एडिटोरियल। ये द हिंदू एडिटोरियल में मैं एक एडिटोरियल तो द हिंदू न्यूज़पेपर से लेकर चलता हूं, और एक एडिटोरियल दोस्तों मैं खुद ही लिखता हूं ताकि आपकी वोकैबुलरी उस हिसाब से स्ट्रांग हो पाए। दूसरा दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हो तो आज संडे है, कल मंडे है। अब आप ये वीडियो आगे देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, बट कल मंडे यानी कि 12 अगस्त है। अब आप सुन लीजिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं 12 अगस्त 2024 को शाम को 5 बजे 5 PM पर मैं एक मैराथन कर रहा हूं, ये ग्रामर की मैराथन है। तो अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आइए ग्रामर की मैराथन में, बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। एग्जाम कौन कौन से कवर है, IBPS का, PO का, प्री IBPS का ही, क्लर्क का, प्री, ये इन दोनों के प्री में जिस प्रकार की इंग्लिश आती है उसी से थोड़ा बहुत लेवल चेंज होके आरआरबी का, पीओ के मेंस में इंग्लिश आती है। आप समझ रहे हो मेरी बात, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अंतर आता है तो कितना अंतर आता है आरआरबी के, क्लर्क के, मेंस में। चार एग्जाम्स के लिए जो ग्रामर है वो दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं, 5 बजे आप आना, बढ़िया सीखना, जो पॉइंट पे नया लगे उसको नोट कर लेना। तो आप समझ गए, एक तो हो गई पर्सनल नोटबुक और एक हो गई जनरल, वो जनरल नोटबुक तो आप तो जानते हैं ये वाली है ना जी, ऐसे करके आप दोस्तों ध्यान रखें, क्लास नोट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ सेशन फ्रूटफुल लगा होगा आप सभी लोगों को, और फ्रूटफुल लगा है तो मुझे बताइएगा यस सर फ्रूटफुल लगा है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं, इसके अलावा एक छोटी इन्फॉर्मेशन और है, देखेंगे वो, देखिए दोस्तों वो ये है कि अनअकैडमी पर दोस्तों अभी फ्लैट 50% ही ऑफ कर दिया अनअकैडमी ने सभी सब्सक्रिप्शन प्लान पर। तो अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं तो SBI PO, SBI क्लर्क और IBPS PO को टारगेट करते हो। फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है 8 अगस्त से, 2 ही दिन की क्लास हुई है सभी टीचर्स की, तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो। और ये 50% ऑफ देखो 6 महीने का 2199 का पड़ेगा, 12 महीने का 2799 का, मैं तो रिकमेंड करूंगा 12 महीने का ले लो जब 50% ऑफ है, और इस कोड को लगाना India50, ये आपका दोस्तों लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, बढ़िया पढ़ सकते हो। देखो अगर आप आना ना इंग्लिश पढ़ना ना, तो पता है किसमें पढ़ना है, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए ये बैच है, देखिए ये बैच है इंग्लिश के लिए, इसका नाम है एडिटोरियल 365 4.0 बैच, आप इसमें आना, ये 8 अगस्त से शुरू हुआ है, इंग्लिश का बेसिक टू हाई बैच है ऑल बैंक एग्जाम्स के लिए, बढ़िया पढ़ो अच्छे तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम आए बताइए। और देखो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आप सबका सिलेक्शन हो, जल्दी सिलेक्शन हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक लगे हुए, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अच्छा लगा है थम्स अप जरूर प्रेस करना, सेशन को शेयर भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कितने लोग हैं जो नोट मेकिंग कर चुके हैं इसको देखकर, बना चुके, बनाने के बाद कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।